राहुल की यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची रेनकोट में नजर आई। पठानकोट बॉर्डर पर कहा, जानता हूं यहां के लोग पीड़ा में हैं, मैं दर्द बांटने आया हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी शुक्रवार सुबह जब कठुआ पहुंचे तो बारिश हो रही थी। यात्रा के दौरान पहली बार राहुल गांधी रेनकोट में नजर आए। यहां उनकी यात्रा में शिवसेना नेता संजय राउत भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से पहले गुरुवार शाम राहुल ने पठानकोट बॉर्डर पर कहा, मैं जानता हूं कि यहां के लोग पीड़ा में हैं, मैं समझता हूं कि हर कोई आहत है, हर इंसान परेशान है, मैं आपका दर्द बांटने आया हूं। इस दौरान राहुल के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर पहुंची। 125 दिन में राहुल देश के 13 राज्यों से गुजरे। जम्मू कश्मीर में वे 9 दिन रहेंगे। यात्रा 30 जनवरी को खत्म होगी। जम्मू कश्मीर में एंट्री से पहले राहुल ने गुरुवार को पठानकोट बॉर्डर पर स्पीच दी। इस दौरान बड़ी तादाद में समर्थक मौजूद थे। राहुल बोले, पूर्वज जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गए थे, मैं उसी जगह से जा रहा हूं। ऐसा लगा जैसे घर वापस आ गया। जब कोई अपनी जड़ों की ओर लौटता है तो वह अपने बारे में और अपने देश के लोगों के बारे में काफी कुछ सीखता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।